नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 8,579 केस आए, 13,483 मरीज ठीक हुए और 94 मरीजों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों का यह आंकड़ा बीते 271 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 6 मई को 96 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। राहत है कि बीते 24 घंटे में 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस महामारी से किसी की मौत नहीं हुई। सबसे ज्यादा 27 मौत महाराष्ट्र और इसके बाद 17 केरल में हुई। यही दो राज्य ऐसे रहे जहां 10 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस विधायक एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। सोमवार को डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर ने भी पार्टी से किनारा करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप उन्हें काम नहीं करने दे रही है। अटकलें हैं कि वे भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। केरल के एक कथित आध्यात्मिक गुरु की लिव इन पार्टनर को उसके माता पिता की कस्टडी से मुक्त कराने संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एस ए बॉबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई बेटी अपने माता पिता के पास है तो उसे हमेशा अवैध हिरासत में नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर एसएचओ पर तलवार से हमला हुआ था। अब पुलिस ने ऐसे हमलों से सामना करने के लिए स्टील की लाठी बनवाई है। लाठी के साथ इसमें स्टील के आर्म और रिस्ट कवर भी लगे हुए हैं। यह पुलिस को तलवार और फरसे जैसे हथियारों के हमले से बचाने में सक्षम होंगे। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द फिजिकल सुनवाई शुरू करने की मांग की है। कोरोना की वजह से फिलहाल शीर्ष कोर्ट वर्चुअली ही मामलों की सुनवाई कर रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बॉबडे ने बार लीडर्स को जल्द ही हाइब्रिड सिस्टम के जरिए सुनवाई करने का भरोसा दिया है। पूरी जनवरी रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सर्दी ने फरवरी के पहले दिन ही पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि मौसमी परिस्थितियों में बदलाव की वजह से आगामी दिनों में दिन के तापमान में इजाफा होगा, वहीं सुबह शाम ठिठुरन भरा एहसास जारी रहेगा। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में पोलियो टीकाकरण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य कर्मियों ने 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया, जिससे बच्चों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।